हाय नमस्कार, बड़ा दिन है आज, तो पता चलेगा क्या होता है थ्रू आउट द डे 18 जुलाई। और फिलहाल आपके लिए एक और, जब तक वो आएंगे, और अगेन अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, स्पेशली कि सर जो नया कॉलेज खुल रहा है, आप लोग परमिटेड और रिकग्नाइज को लेके कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, कहते हैं आइडियली स्पीकिंग कि भाई हाँ, तो क्वेश्चन ये होता है कि सर जिसका पहला साल है वहाँ एडमिशन ले ना ले, और बहुत ही मेरा स्टैंडर्ड बहुत ही लॉजिकल आंसर है वो, शायद भाई मैंने लास्ट ईयर की वीडियोस में बताया होगा। हमें ना ये देखना होता है कि वो कॉलेज कौन खोल रहा है। तो अगर ग्राफिक ईरा जैसा ब्रांड कॉलेज खोल रहा है, अमृता कोची ने जब अमृता फरीदाबाद खोला था, अब पॉइंट क्या है कि आप में से काफ़ी लोग हैं जो यही नहीं जानते कि अमृता कितना बड़ा है, मतलब खरबों के मालिक हैं वो, या ग्राफिक ईरा कितना बड़ा है, या MGM कितना बड़ा है, या BGS ग्रुप कर्नाटका में कितना बड़ा है। तो ये जब कोई कॉलेज खोल रहे हैं तो फर्स्ट ईयर इज़ एज गुड एज दसवां साल, अदर देन दी सीनियर सपोर्ट इन द कॉलेज एंड सीनियर गाइडेंस, जो मैं किसी को काउंसलिंग में समझा रहा था। और वही चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज खुल रहा है अगर, या उस तरीके का कॉलेज खुल रहा है जिसका कोई अता पता नहीं है, जो पहले तबेले में फार्मेसी और आयुर्वेदिक कॉलेज चला रहा था, उनका फर्स्ट ईयर इज़ श्योरली डेंजरस। NMC क्या सोच के कुछ कॉलेज को अप्रूवल दे रही है, मैं भी नहीं समझ सकता, ना मैं बोलना चाहता कैमरा पे। लेकिन देखिए, पहले साल तो आप दे रहे थे हो, बट अक्सर ये कॉलेज जब रीइंस्पेक्शन होती है एक साल के बाद, तो वो OPD IPD की फिगर्स मैच नहीं करती हैं, फिर आपका कैंसिल होता है, जैसे चिंतपूर्णी पंजाब का हुआ। और वो बच्चे आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि 2023 बैच की परमिशन नहीं मिली। मुझसे किसी ने बोला सर 24 में शायद वापस आ जाए, मैंने कहा भाई जो कॉलेज पिछले साल ही बंद हो गया था क्वालिटी को लेके, इश्यूज को लेके, एक बार चेक तो कराओ वो कॉलेज का, मतलब MBBS डिग्री चलो आप पीस ऑफ पेपर लेने को तैयार हो, और पीस ऑफ पेपर तो ढंग से मिल जाए, पता चले कि बिल्कुल ही पीस ऑफ पेपर मिल रहा है जो 2022 के साथ होने वाला चिंतपूर्णी में, क्योंकि उनकी क्लासें नहीं लग रही हैं। 5-6 दिन पहले न्यूज़ भी आई है अगर आप गूगल करेंगे तो थोड़ा तो ध्यान रखिए ना कि बिल्कुल ही कागज़ का टुकड़ा ना मिल जाए और बिल्कुल पढ़ाई ज़ीरो हो, स्पेशली जब आपके पास ऑप्शंस हैं। तो पहले साल कॉलेज का ज़रूर मैनेजमेंट बैकग्राउंड, ओनर्स कौन है, कैंपस कैसा बनाया है, वो सब देखिए। और मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा आपको कि सिर्फ और सिर्फ आपको टॉप क्लास में से ही मिलेगा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि भाई, जैसे अभी अजय संगाल की बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है जो शामली में आ रहा है, बहुत पॉजिटिव, या KMC महाराजगंज की बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, जबकि वो कोई ऐसे बड़े नॉन ब्रांड नहीं है ग्राफिक की तरह, या MGM या BGS की तरह। तो स्पेशली फर्स्ट ईयर के लिए ज़रूर विज़िट कीजिए, ओपन माइंड से कीजिए, टफ क्वेश्चन पूछिए, वहाँ जाके अपने आप एसेस कीजिए कि यहाँ पर पेशेंट आएंगे कि नहीं आएंगे। देखिए, पेशेंट का आना ना दो मायनों में ज़रूरी है, एक तो बच्चे की लर्निंग के लिए, दूसरा उस कॉलेज और हॉस्पिटल के सस्टेनेंस के लिए। कई लोग जो मेरे पास आते हैं, मैं उन्हें समझाता हूँ, एक कैलकुलेशन समझाता हूँ कि एक 12-15 लाख की फ़ीस वाला कॉलेज, जब पूरे 5 साल वो चल रहा होगा तो क्या कलेक्शन है उसकी साल की, 100 करोड़, तो 100 करोड़ सुनने में बहुत ज़्यादा लगता है, बट एक पूरा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चलाना है जिसमें एनाटॉमी का प्रोफेसर, बायोकेमिस्ट्री का प्रोफेसर, फिजियोलॉजी का प्रोफेसर, एंड सो मैनी स्टाफ एंड सो मैनी डॉक्टर्स एंड सो मैनी थिंग्स, 100 करोड़ इज़ नथिंग। अब आपके पास हॉस्पिटल है, चाहे आपके पास वो फ्री वाले मरीज आ रहे हैं, आयुष्मान कार्ड लेके आ रहे हैं, स्टेट कार्ड्स लेकर आ रहे हैं, बट आपको गवर्नमेंट रिइंबर्स करेगी ना, तो वो जो रेवेन्यू है वो 300-500 करोड़ रुपये तक जाता है, एंड दैट इज़ हाउ अ यूनिट बिकम्स प्रॉफिटेबल सस्टेनेबल, जो कि NMC ने भी कहा था कि आपका हॉस्पिटल सस्टेनेबल होना चाहिए। अब आपने जैसा मर्जी करके परमिशन ले ली, पर आपका अस्पताल में एक्चुअली पेशेंट फ्लो 50 से भी कम है, तो भाई आपको तो वो फ्री बोला रेवेन्यू भी नहीं मिल रहा ना। तो जब एक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पास सिर्फ साल के 100 करोड़ रुपये आ रहे हैं, इट इज़ नथिंग। वो प्रोफेसर को सैलरी दे ही नहीं सकता, वो स्टाफ को सैलरी दे नहीं सकता, उसके पास सिर्फ आपको पीस ऑफ पेपर मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए, इसलिए मैं कहता हूँ चलता हुआ अस्पताल क्यों ज़रूरी होता है, कि बच्चे की लर्निंग के लिए तो चाहिए ही चाहिए, साथ में हॉस्पिटल की सस्टेनेंस के लिए चाहिए, वो आपको वहाँ पर जाके विजिट करके आइडिया लग जाएगा। तो जब आप नए कॉलेज को लेने वाले हैं, तो या तो खुद जाइए, या कोई भी रिलायबल काउंसलर जो गया हुआ है, देखा हुआ है, जो आपको सटीक फीडबैक दे रहा है, वो फीडबैक लीजिए और उसके हिसाब से अपने फैसला कीजिए। राइट, जैसे मैंने आपको, जब मैं रामकृष्ण भोपाल गया, मेरे को ये चिंता हुई कि यार वो सस्टेन कैसे करेगा, लेकिन ठीक है, खुल के बात हो रही थी, कहते हैं सर वी आर फ्रॉम दी RKDF ग्रुप विच इज़ अ वेरी वेरी रिच ग्रुप, और पेशेंट्स तो अभी बहुत सालों तक शायद नहीं आएंगे, और हम 100 करोड़ में बस
मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एडवांटेज है भोपाल, भोपाल में 3 कॉलेज हैं, तो प्रोफेसर्स वी शेयर एंड ऑल दैट। बिल्कुल कैलकुलेशन पे बात हो रही थी कि वी कैन बिकम अ सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट विदाउट द रेवेन्यू ऑफ द हॉस्पिटल। मैंने कहा वेरी गुड, बट हर एक के पास वो एडवांटेज भी नहीं है ना कि आपके पास 3 कॉलेज एक ही शहर में है, तो आप प्रोफेसर्स को और जो सबसे एक्सपेंसिव चीज़ें हैं या सीनियर डॉक्टर्स को आप ऐसे शिफ्ट और ट्रांसफ़र कर सकें। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा और फिर फैसला कीजिए कि जो कॉलेज प्राइवेट में नया खुल रहा है वो लेना है या नहीं लेना है। सरकारी का भी बंद नहीं होता, बट जैसा कि आप में से खुद ही कुछ लोगों ने कमेंट्स में डाला कि क्वालिटी ऑफ सरकारी कॉलेज इज क्वेश्चनेबल, हम सिर्फ सरकारी में इसलिए जाते हैं कि वो फीस फ्री के भाव है, बट आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें सरकारी मिल रहा है, बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो प्राइवेट, फिर सोच समझ के सरकारी लीजिए और टॉप 80, 90, 100 के बाद शायद सरकारी छोड़ के प्राइवेट लेना ज़्यादा बेटर है फॉर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इफ़ वी कैन अफोर्ड। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।